अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं सखी हसन पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये सखी हसन पे एक क्लीनिंग का मसला था। इस हवाले से इस वक्त यहाँ पे जमात इस्लामी के शादमान टाउन के नामजद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, शुमाइल ताला। आइए उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये देख सकते हैं, अभी मेरा जो असल यहाँ पे आने का मकसद है इस दौरे का, आप देख सकते हैं जितने नाले हैं सारे नाले, अभी बारिश हुई नहीं है, नालों की कोई सफाई नहीं हुई है, सारे नाले ओवरफ्लो चल रहे हैं। इस नाले की आप सफाई को देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा मैन दिखाया आपको, ये नाले की सफाई के लिए इसमें अब क्या गिरा हुआ है, ये ब्लॉकेज हुई हुई है, इसमें कोई शटरिंग के काम के टाइम पर शटरिंग गिरी हुई है, जो मसला भी है इसको क्लियर किया जाए ताकि ये फ्लो क्लियर हो। अभी बगैर बारिश के इसका फ्लो लेवल पे चल रहा है, जब बारिश होगी तो सखी हसन का क्या हाल करेगा, ये पीछे पानी को पीछे ही रोक दिएगा जो हमारे घरों में जाएगा शादमान के। ये मेन मसला है, मेन यहाँ से तकसीम हो रहा है पानी, जब ये यहाँ से आगे क्लियर नहीं होगा ये पीछे पूरा नाला भरा हुआ चलेगा और हमारे शादमान के अंदर यही पानी जा रहा होगा। इस नाले की सफाई की जाए, हुकूमत वक्त हमारी अपील है कि इस नाले की फौरी तौर पर सफाई की जाए बारिश से पहले, क्योंकि आज अगर ये बारिश हो गई तो इस नाले का क्या हाल होना आप खुद देखिएगा, आप लोग के सामने होगा। हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है, जितने नाले हैं इस सारे नाले, आप ये देखें नाला खुला हुआ है, उधर के सामने नाले के अंदर पानी चल ही नहीं रहा है, यहीं पर ओवरफ्लो हुआ हुआ है। ये ओवरफ्लो आप पीछे जाएँ तो पूरे शादमान के अंदर नाला, इसकी वजह से पूरा ओवरफ्लो चल रहा। जैसा कि आपको अभी मैंने पिछला नाला दिखाया था जो ब्लॉकेज की वजह से बंद है, आप उसका ये देख सकते हैं दूसरा हिस्सा जो बिल्कुल ही लेवल पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि पानी जब उसके बाद ओवरफ्लो होने के बाद पानी यहाँ निकल रहा है, आप देख सकते हो उस नाले को अगर पूरा भरपूर खोला जाए तो ये पानी बिल्कुल प्रेशर से यहाँ पे आएगा। वो नाला 3 फीट का मेरे ख्याल से ब्लॉकेज हुई है, 3 फीट के बाद उबल के यहाँ पे नाले का पानी आया जा रहा है। अगर उस नाले की क्लियर हो जाए, वो नाले की सफाई हो जाए तो ये पानी बिल्कुल लेवल में चलेगा, ना पीछे कहीं ब्लॉकेज होगी ना कहीं होगी। नालों की सफाई की फौरी ज़रूरत है, हुकूमत वक्त से हमारी दरख्वास्त है कि इस नालों की फौरी सफाई करवाई जाए, फौरी से फौरी इस बारिश से पहले सफाई करवाई जाए जितने भी नाले हैं। शादमान से सखी हसन तक कम से कम ये 10 से 12 जगहें हैं जहाँ पे नाले की ब्लॉकेज हुई हुई है। शादमान एक नंबर हो गया, ये सखी हसन हो गया, अंडा मोड़ हो क्या नाम है, कलंदरिया चौक हो गया, इन नालों की जगह जगह ब्लॉकेज हुई है, इनकी फौरी तौर पर सफाई करवाई जाए ताकि जो पानी बारिश का है वो सीधा फ्लो में इधर आगे डाइवर्जन हो जाए।